सब्सक्राइब कीजिए हरमन व्लॉग्स को एंड हिट द बेल आइकन। दोस्तों मैं आपका हरमन व्लॉग्स आ चुके एक और न्यू फ्रेश व्लॉग लेकर। सो दोस्तों टुडे आई एम गोइंग टू गुरुद्वारा बंगला साहिब विद माय मदर एंड सिस्टर। हाय गाइस, टुडे वी आर विद हरमन व्लॉग्स एंड वी आर गोइंग टू गुरुद्वारा बंगला साहिब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज गुरुद्वारा बंगला साहिब पार्ट टू। और जो मेरा पहला व्लॉग था वो भी गुरुद्वारा बंगला साहिब का ही था, तो पर इस बार मेरी सिस्टर भी साथ जा रही है, पर उस दिन मम्मी गई थी। सो बंगला साहब चलते हैं मम्मी। तो गाइस मैं आपको इस गुरुद्वारे का थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ। तो सन 1721 में गुरु हरकृष्ण जी व सिखों के 8वें गुरु यहाँ पर आए थे। तब उस टाइम पे एक बीमारी फैली हुई थी हैजा और चेचा, उसके कारण बहुत लोगों की मृत्यु भी हुई थी। तो गुरु जी ने वहाँ पे एक बच्चे में अपना पैर डाला और उस पानी को जल को पवित्र कर दिया। और जब भी जिसको भी वो बीमारी होती थी वो जब उसके पानी को जल को पीता था तो उसकी वो हैजा चेचा बीमारी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती थी। और आज के डेट में भी लोग जो वहाँ का जल पीते हैं तो उनकी जो भी कष्ट प्रॉब्लम्स हैं वो सारी दूर हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। ये गुरुद्वारा दिल्ली का सबसे ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरुद्वारा बंगला साहिब। सो गाइस अब आप थोड़े गुरुद्वारा बंगला साहिब गुरुद्वारे के सिनेमैटिक शॉट्स इंजॉय कीजिए। बंगला साहब का ही बनाया जाए, है ना मम्मी? सही कहा ना मैंने? हाँ हरमन। तो गाइस इस वाले व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।